मन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अत्र अवतर अवतर सम्वोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामि। पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वेतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिति। दशना को तृप्त करे जितनी जितनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय कामवार विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति। महांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, निराग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। एक सौ आठ आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। एक सौ आठ आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरपामिति। तेरे दर्शन से गुरुवर खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधु और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय महामोक्ष प्राप्त आय फलम निरपामिति। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। तेरा दर चूमे तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरू यह अर्घ फेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जय माला पूर्णार्घम निरपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं
और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है, कैसा है बना ये शब्द, गंध और अधिक उदक, इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है, ऐसा है ना। हाँ, आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती, गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं, आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया, भैया गंधोदक लगा लो जल्दी कर लो, से भी बहुत भीड़ लगाने वाली, आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया, क्यों नहीं लगाए? भगवान के सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यह पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप का नाशकम। अरे एकाद जो है ना, एकाद तन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक, आजकल तो गंधोदक बहुत कम पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है। क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रखा, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भगवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं, इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पाप नाशकम। ये पाप नाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धा मुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है, कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता। यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी
लगा लेते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता ही है गर्मी के दिनों में वो भी। तो यह आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धान यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र सोदर इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है, एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वह ले जाता है, और सभी अपने जो कोई भी शेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। क्षय सम्यक दृष्टि है, अब लगाने की क्या बात है, नई क्षय सम्यक दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, और सक्रिय क्या होता है उल्लेख किया गया है कि वह क्रिया सहित हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया कि छाय सम्यक दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की निद्रा उनकी होती है वो इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहावे किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निद्रा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमेष्ट के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में, उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्येज लोग कम निजरा कारगो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वह नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर, बहुमान के साथ होता है तो उसका बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई भी मिठाई में मीठा तो रहता ही है, रहता है, लेकिन कुछ कम पड़ गया तो क्या हो गया, तो उस चीज़ को खाने के प्रति कमजोरी आ जाती। और अनुपात से यदि मिठाई है उसको खा लेते, अति भी यदि हो गए तो भी ठीक नहीं, किंतु आप आदर के साथ करते हैं उस समय और उससे पूर्व में दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। आप लोगों को एक एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा घर में बैठे भी हो सकते हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं मंदिर जाना ना पड़े। ऐसा नहीं, यदि जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण के वजह तो भी घर में बैठे बैठे भी अरंसिद्ध करते हैं, काम धंधे करते हुए भी आप करते हैं। ध्यान रखो, पहले के लोग जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए भी रंसिद्ध उनका चलता है, और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर के ही अरंसिद्ध चलता है।
कैसी निद्रा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमज़ोर बहुत हो अभी, नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं किंतु आचार्य परमेष्ठी भी, अरंत परमेष्ठी तो केवल शुद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेष्ठी तक क्या कहते हैं उनको, वो भी नवो लोई सऊसाहो। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आप यहाँ। इसी प्रकार आप घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे तो ऑनलाइन भी तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर दो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा उस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से पाप नाशकम, हाँ रोग नाशक होता है। अरहंत सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं, अच्छा, वही हम चाहते हैं आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चरित करेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं तम माम असंख्येज गुणकार के अनुसार, असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं, हाँ होता होगा नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं घर में ही रह करके, यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है उनका।